हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। हमारे अपने यूट्यूब चैनल टोटल स्टडी आई क्यू में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लेकर आए हैं हिस्ट्री 2017 जो प्री एग्जाम हुआ था आईएएस का, उसमें हिस्ट्री से पूछे गए क्वेश्चन के आंसर विद क्वेश्चन क्वेश्चन के साथ। ठीक है, ये क्वेश्चन उन अभी जो आरएएस प्री होने वाला है, जो आईएएस का प्री होने वाला है, उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, या जो भी पीएससी के प्री होने वाले हैं उसके लिए। तो आइए दोस्तों, बात करते हैं, कुछ क्वेश्चन लेते हैं और उनके आंसर। फ्रेंड्स, फर्स्ट क्वेश्चन है, ये आप देख रहे होंगे कि ऋग्वेदिक ऋग्वेदिक कालीन आर्यों और सिंधु घाटी के लोगों की संस्कृति के बीच अंतर के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही हैं। पहला है, ऋग्वेदिक कालीन आर्य कवच और शिरस्त्राण का उपयोग करते थे, जबकि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों में इनके उपयोग का कोई साक्ष्य नहीं मिलता। दूसरा कथन है, ऋग्वेदिक कालीन आर्यों को स्वर्ण चांदी और ताम्र का ज्ञान था, जबकि सिंधु घाटी के लोगों को केवल ताम्र और लोहे का ज्ञान था। तीसरा स्टेटमेंट है फ्रेंड्स, ऋग्वेदिक कालीन आर्यों ने घोड़े को पालतू बनाया था, जबकि इस बात का कोई साक्ष्य नहीं कि सिंधु घाटी के लोगों ने इस पशु को जानते थे। तो फ्रेंड्स, इसमें से हमारा जो फर्स्ट है ना, फर्स्ट वाला ऑप्शन ऋग्वेदिक कालीन आर्य कवच और ये वाला, और लास्ट जो थर्ड है, ये ऑप्शन सही है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये कि मणिपुरी संकीर्तन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा सही है। तो फ्रेंड्स, यह गीत और नृत्य का प्रदर्शन है। दूसरा कथन है, केवल करताल ही एकमात्र वाद्य यंत्र है जो इस प्रदर्शन में प्रयुक्त होता है। तीसरा है, यह भगवान कृष्ण के जीवन और लीलाओं को वर्णित करने के लिए प्रदर्शित किया जाता है। तो फ्रेंड्स, इसमें से जो दूसरा है ना, केवल करताल ही एकमात्र वाद्य यंत्र है जो प्रदर्शन में मुख्य प्रयुक्त होता है, तो फ्रेंड्स ये गलत है, ये और ये पहला और दूसरा सही है। फ्रेंड्स, ये फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में रैयतवाड़ी बंदोबस्त के प्रारंभ किए जाने से संबंध थे। तो फ्रेंड्स, पहला है, यह संबद्ध थे या थे था पहला है लॉर्ड कॉर्नवॉलिस, दूसरा है अलेक्जेंडर रीड, तीसरा है थॉमस मुनरो। तो फ्रेंड्स, इसमें से जो अलेक्जेंडर रीड और थॉमस मुनरो, ये दोनों सही हैं, पहला गलत है। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये 15वां, 1829 का व्यापार विवाद अधिनियम निम्नलिखित में से किसका उपबंध था। तो फ्रेंड्स, ये अधिकरणों की प्रणाली तथा हड़ताल पर रोक से संबंधित था। किससे? अधिकरणों की प्रणाली और अधिक हड़तालों पर रोक से रोक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा सही है। फैक्ट्री एक्ट 1881 औद्योगिक कामगारों की मजदूरी नियत करने के लिए और कामगारों को मजदूर संघ बनाने की दृष्टि से पारित किया गया था। दूसरा कथन, एमएन लोखंडे ब्रिटिश भारत में मजदूर आंदोलन संगठित करने में अग्रणी थे। तो फ्रेंड्स, दूसरा सही है, ये एमएन लोखंडे ब्रिटिश भारत में मजदूर आंदोलन संगठित करने में अग्रणी थे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ये के 1927 की बटलर कमेटी का उद्देश्य था। तो फ्रेंड्स, इसका उद्देश्य था भारत सरकार एवं देशी रियासतों के बीच संबंध सुधारना। क्या था? बटलर कमेटी का भारत सरकार एवं देशी रियासतों के बीच संबंध सुधारना। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं ये 37वां, निम्नलिखित युगों पर विचार कीजिए, इसमें से कौन सा सही है, जोड़ी मिलानी है आपको। पहला है राधाकांत देव। फ्रेंड्स, मैं इसमें आपको सही बता देता हूँ, ये जो पहला है राधाकांत देव, ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन के प्रथम अध्यक्ष थे, और तीसरा सुरेंद्रनाथ बनर्जी, इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक थे। नेक्स्ट है, बोधिसत्व पद्म पाणि का चित्र सर्वाधिक प्रसिद्ध एवं प्राय चित्रित चित्रकारी है। ये फ्रेंड्स अजंता में है। कहाँ पे है? अजंता में।
नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन से सूर्य मंदिरों के लिए विख्यात हैं? तो फ्रेंड्स ये इसमें से आपको कौन सा सही है ये चुनना है। तो फ्रेंड्स इसका आंसर है असरवल्ली। कौन है सूर्य मंदिरों के लिए प्रसिद्ध? असरवल्ली। तो ठीक है फ्रेंड्स, हमने आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए हैं। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ फ्रेंड अब आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। बहुत बहुत धन्यवाद।